ओके जी, ये तैयार था, सॉरी शुरुआत में बता नहीं सका, मगर ओए होए होए, ये जो है ना, ये यार 1000 एयरिंग और चीज काम उठा दिया भाई, ठीक है, मजा आ गया। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मानूर अब्दुल्ला, मैं हूँ साकिब, आपका दोस्त, आपका होस्ट। अच्छा, सीन ये है कि आज एक तजुर्बा घर में करने लगा हूँ मैं, और वो तजुर्बा एक है टेंडर पॉपर्स का, और दूसरा ये कि मैं चिकन बर्गर बनाने लगूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, टेंडर पॉपर्स को तो हमने फ्राई के लिए फ्राइंग पैन में डाल दिया, और ये तो अभी चल रहे हैं। और जनाब दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूसरे तवे पे हमने ये बेसिकली चपली कबाब हैं, जिनको हम बर्गर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, टेंडर पॉपर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीट हो गए हैं, तो हम इनको उतारते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा अगर ये ब्राउन होंगे तो ये ब्राउन नहीं होंगे, ये फिर जल जाएंगे। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सूफी की, ठीक है जी। ओए छूट गया हाथ से। अच्छा जी, ये हमने किया। अच्छा, अब हमने थोड़ी तवज्जो देनी है अपने चपली कबाब की तरफ, जो हमने बर्गर के अंदर डालने। बर्गर्स ये वाले हैं, दी लाइन के बर्गर्स हैं जो मैं लेकर आया हूँ मेट्रो से। उसके बाद हम ये नूर फूड का इसमें चीज़ डलेगा, ये 1000 आइलैंड इसकी ड्रेसिंग है, ये सैलाड के पत्ते हैं, और ये साल जो है टोमेटो। तो सारी कंसंट्रेशन इस टाइम पे हम रखते हैं अपनी बर्गर पैटी के ऊपर, कि ये कहीं जल ना जाए ना। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी कम्प्लीटली अंदर तक पक चुका है, तो मैं लेता हूँ दूसरी प्लेट, और प्लेट में हम निकाल लेंगे इसको। ये हमने एक निकाल के रखा, ये हमने दूसरा उठाया, और ये हमने तीसरा उठाया। ओके, अब हम चूल्हा कर देते हैं थोड़ा सा और हल्का, क्योंकि अब हमने बर्गर्स को कट लगाना है। अच्छा जी, बर्गर को हमने कट लगा के, बन को हमने कट लगा के, और उसी तवे पे जिस तवे पे हमने वो फिनिश किया था उसके ऊपर हमने सेकने के लिए रख दिया है। इससे ये होता है कि बन ज़रा नरम हो जाता है। तो ये हमने चूल्हा थोड़ा सा मेरे ख्याल से तेज़ कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जलना भी चाहिए, बट ये जल नहीं रहा। ओके जी, अब हमने करना कुछ ऐसे है कि हमने बर्गर्स अपने गरम कर लिए हैं, ये 4 पीस बर्गर के हो गए, ठीक है। हम इसके अंदर लगाएंगे ये 1000 आइलैंड, थोड़ी सी ये हमने 1000 आइलैंड इसमें डाला, ठीक है। हम और भी यूज़ करेंगे, मगर फिलहाल हमने इतना ही इसको यूज़ करना है। नाइफ से इसको थोड़ा सा फैला लिया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हमने डाल लिया। ठीक है, इसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर
ये पैटी जो हमने बनाया था, ठीक है, हमने तीन बनाए थे, एक हम रूखा खाएंगे, दो हमने रख लिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऊपर रखना है ये, इसको कहते हैं टमाटर। ये हो गया टमाटर, दो टमाटर हमने रख लिए, मोर देन एनफ होते हैं आई गेस। ओके जी, अब हमने ये नूरपुर का चीज़ है, ये वन पीस निकाल लिया, ये सेकंड पीस निकाल लिया ऐसे, ठीक है। बाकी हम इसी तरह इसको रैपर में डाल देंगे। इस पीस को हमने यूं करके ओपन करना है लाइक दिस, ठीक है। ये ओपन किया, फिर हमने इसके ऊपर इसको ऐसे रख दिया। इसी तरीके से हमने दूसरे को भी ओपन किया और इसको भी हमने दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया। अच्छा, अब इस तरीके रखने के बाद हमने एक सैलेड का पत्ता ऊपर रख देना ऐसे, और एक दूसरा सैलेड का पत्ता रख देना, और जो थाउजेंड आइलैंड थी इसको हम थोड़ा सा और डालेंगे इसके ऊपर, ताकि इसका और ज़्यादा टेस्ट अच्छा सा आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें डाल दिया, इसी से हम थोड़ा सा उठा के साफ करने डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता। इसको हमने लगाया और इधर से हमने इसको उठा के ऐसे लगाया। हाँ, जो बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, क्योंकि हमने ये घर पे बनाया तो ये अब तक पैटी शैटी ठंडा हो चुका होगा, तो हम क्या करेंगे कि ये हमने इसको इसके ऊपर रखा, किसी तरीके से दूसरे को भी हमने रखा, तो ये दो बर्गर्स हमने तैयार कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक प्लेट में लेंगे लाइक दिस, इसको हमने प्लेट में रखा ऐसे वन, और ये इसकी अदर प्लेट, दूसरी प्लेट हमारी ये है, हम इसको इसमें इस तरीके से रखेंगे और इसको एक दफ़ा ओवन करेंगे तो जो चीज़ है ना वो पिघल जाएगी। ओके, ये मैंने ओवन में रख दिया इसको, एक मिनट के लिए हम लगाएंगे इसको माइक्रो, वन मिनट और स्टार्ट, तो ये भी ओवन हो जाएगा। ओवन करने के बाद ही हमारे दोनों बर्गर इस तरह से तैयार हो गई, जो चीज़ थी वो भी इसके अंदर मेल्ट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे बर्गर्स बनाए हुए पसंद आएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, ये तैयार था, सॉरी शुरुआत में बता नहीं सका, मगर ओए होए होए, ये जो है ना ये यार, थाउजेंड एयरिंग और चीज काम उठा दिया भाई, ठीक है, मज़ा आ गया।